आवाज नहीं चलती, यहाँ से कश्मीर तक आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान मोहनलाल जी, श्रीमान कृष्णपाल गुर्जर जी, श्री राजकुमार बोहरा जी, बहन सीमा त्रिखा जी, संदीप जोशी जी, चरण सिंह तिवेतिया जी, हमारे प्रभारी सुरेंद्र सिंह नागर जी, और आज जिनको जिताने की मैं यहां अपील करने आया हूं, ऐसे हमारे 6 के 6 प्रत्याशी एनआईटी 86 से सतीश फागना जी। अरे आगे आओ सतीश जी, ऐसे कैसे करोगे यार, आगे आओ, ताली बजाओ सतीश जी के लिए। वल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा जी, फरीदाबाद से विपुल गोयल, ती गांव से राजेश नागर, पृथला से टेकचंद शर्मा और बड़खल से दिनेश अदलक्का जी। और आज एक विराट सभा में उपस्थित प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम, नमस्कार। सबसे पहले मैं राजा नाहर सिंह की पावन धरती को प्रणाम करता हूं, राजा जैत सिंह नागर जी की इस भूमि को प्रणाम करता हूं। ये दोनों ने हमारी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा काम किया है। यहां का सूरज कुंड स्थित सूर्य मंदिर पूरे देश में प्रख्यात है और यहां से लेकर गुजरात तक और यहां से लेकर बंगाल तक ये भूमि को संत सूरदास की भूमि के नाम से जाना जाता है। आज मैं इस भूमि को प्रणाम करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आज आने वाली 5 तारीख को हरियाणा में चुनाव होने वाला है। आपका एक वोट हरियाणा का भविष्य तय करने वाला है और 2 खेमे बड़े स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। एक और देशभक्तों की टोली ऐसी भारतीय जनता पार्टी है और दूसरी ओर भ्रष्टाचारियों का एक टोला जो कांग्रेस पार्टी में एकत्रित हुआ है। ये दोनों के बीच में आपको तय करना है। भाजपा भरोसेमंद है, कांग्रेस करप्ट। भाजपा का काम समाज कल्याण करना है, कांग्रेस का काम परिवार कल्याण करना है। हमारा संकल्प विकसित हरियाणा, विकसित भारत है। उनका संकल्प परिवार के पोषण करने का है। आप लोगों को तय करना है कि आने वाले चुनाव में क्या करना है। भाइयों बहनों, यहां अगर फिर से एक बार, तीसरी बार आप कमल खिलाते हैं तो ओबीसी, दलित, किसान, सेना के जवान और खिलाड़ी, इस सभी के कल्याण का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों बहनों, जब आज मैं यहां आया हूं तब हरियाणा की जनता को बताना चाहता हूं, हमारा हरियाणा 3 बातों के लिए पूरे देश भर में जाना जाता है। एक तो सेना के हर जवान जो यहां से गए हैं, उन्होंने वीरता के बड़े परचम बॉर्डर पर गाड़कर
हमारे देश को सुरक्षित करने का काम किया है। ये वीरों की भूमि, यहाँ के किसान ने देश के अन्न के भंडार भरने का काम किया है और यहाँ के खिलाड़ियों ने देश को पदकों के दृष्टि से बहुत संपन्न करने का काम हरियाणा के खिलाड़ियों ने किया है। धाकड़ जवान, धाकड़ किसान और धाकड़ खिलाड़ी, ये हरियाणा की पहचान है। मैं आज यहाँ हुड्डा साहब को पूछना चाहता हूँ, हुड्डा साहब, हरियाणा का हर दूसरा घर सीमा पर जवान भेजता है, वन रैंक वन पेंशन का वादा कांग्रेस पार्टी ने 40 साल पहले किया था मगर पूरा नहीं किया। हरियाणा वालों, 2014 में आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, 15 में ही मोदी जी ने वन रैंक वन पेंशन को समाप्त कर सेना के जवानों का सम्मान। ये कांग्रेस वाले झूठे नैरेटिव गढ़ने में, झूठ फैलाने में बड़े पारंगत। इन्होंने कहा अग्निवीर से जो जवान वापिस आएगा उसको नौकरी नहीं होगी, पेंशन नहीं मिलेगा। आज मैं हरियाणा के हर युवा को कहना चाहता हूं, अग्निवीर से जो जवान वापिस आएंगे, देश भर की पुलिस ने इनको 20% रिजर्वेशन दिया है। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने भी 20% रिजर्वेशन दिया है और हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने कहा है जो बचेंगे वो 100% हरियाणा सरकार उनको स्वीकार कर लेगी, इसमें किसी को शंका नहीं। हुड्डा साहब, आप झूठ फैलाना बंद करिए और झूठ का व्यापार लंबा नहीं चलता है। भाइयों बहनों, अभी मैं कुछ दिन पहले टीवी देख रहा था, हथीन से लेकर थानेसर और थानेसर से पलवल तक कांग्रेस की रैलियों में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। मुझे बताओ, आप सभी लोग बताओ, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे हरियाणा की भूमि पर लग सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, लग सकते हैं क्या? ये कांग्रेस पार्टी तुष्टिकरण की राजनीति के लिए आज हरियाणा को भी तुष्टिकरण से लिप्त करना चाहती है। ये राहुल गांधी कश्मीर जाकर कहते हैं, इनके साथी का एजेंडा है कि कश्मीर से धारा 370 समाप्त कर दी जाए। जो जेल की सलाखों के पीछे मोदी जी ने आतंकवादियों को डाला है, उनको जेल से रिहा कर दिया जाएगा। मुझे बताओ, आप सभी लोग जरा जोर से बताना, धारा 370 मोदी जी ने हटाई, अच्छा किया या बुरा किया? जोर से बोलो जरा, अच्छा किया या बुरा किया? एक कांग्रेस पार्टी इसको हटाना चाहती है। कांग्रेस वाले प्रचार करने आए तो जवाब मांगोगे क्या? आज मैं यहाँ की हरियाणा की वीर भूमि से कहना चाहता हूँ, राहुल बाबा कितना भी जोर लगा दो, जब तक भारतीय जनता पार्टी है, धारा 370 को कोई वापिस नहीं ला सकता, कोई वापिस। अरे हम तो वो पार्टी है जो हमारा जम्मू कश्मीर छोड़िए, पाकिस्तान के कब्जे में जो भी कश्मीर है वो भी हमारा है, ऐसा मानने वाली हम पार्टी। भाइयों बहनों, 10 साल पहले का हरियाणा आपको याद होगा, एक सरकार आती थी तो भ्रष्टाचार बढ़ जाता था, दूसरी सरकार आती थी तो गुंडागर्दी बढ़ जाती थी। 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी दोनों को समाप्त कर हरियाणा को विकास के आगे रास्ते पर चला है। मुझे बताओ, इतने सारे युवा बैठे हैं,
खर्ची और पर्ची के बगैर नौकरी मिलती थी क्या? जोर से बताओ, मिलती थी क्या? अब देनी पड़ती है खर्ची या पर्ची। अब नौकरी डाकिया लेकर घर पे आकर आपको अपॉइंटमेंट का लेटर दे देता है। ये भारतीय जनता पार्टी का काम। भाइयों बहनों, अभी मैं दिल्ली से आ रहा था, एयरपोर्ट पर मेरा हेलीकॉप्टर लेट हो गया, मुझे लोहारू जाना था। इतने में एक पत्रकार का फोन आया कि अमित भाई क्या करोगे हरियाणा जाकर? मैंने बोला भाई चुनाव है, हम चुनाव का प्रचार करेंगे, हम मतदाताओं को मिलेंगे कि आपका मुकाबला किससे है। तो मैंने कहा कांग्रेस पार्टी से। कि नहीं भाई साहब, कांग्रेस से कोई मुकाबला नहीं है। तो मैं तो समझा नहीं उनकी बात। मैंने पूछा कैसे कहते हो भाई, वहां एक ही पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के साथ हमारा मुकाबला है। तो उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी भाजपा के सामने नहीं लड़ रही है, शैलजा जी हुडा के सामने, हुडा सुरजेवाला के सामने ये अंदर अंदर लड़ने का काम कर रहे हैं, इनको भाजपा के साथ लड़ने की कोशिश की। भाइयों बहनों, जो अभी से कुर्सी तो दूर है, चंडीगढ़ है, अभी से जो अंदर अंदर लड़ते हैं, तो एक अनार सौ बीमार वाली कहावत की जैसी कांग्रेस हरियाणा का विकास नहीं कर सकती। भाइयों बहनों, आज मैं स्पष्टता से कहकर जाता हूं, हमारा नेतृत्व स्पष्ट है, हम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हम लड़ रहे हैं। और ये 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने, 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा को देश में कई जगहों पे आगे लाने का काम किया है। प्रति व्यक्ति जीएसटी कलेक्शन सबसे पहला कौन है? मारा हरियाणा। मैं एक एक बार पूछूंगा, आप बोलेगा मारा हरियाणा। प्रति व्यक्ति जीएसटी कलेक्शन में एक नंबर कौन है? छोटा होने के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था में 4% किसका योगदान है? केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में योगदान में दूसरा नंबर किसका है? दूध के उत्पादन में तीसरा नंबर किसका है? सबसे ज्यादा सामाजिक सुरक्षा पेंशन कौन दे रहा है? धुआं मुक्त गांव कहां बना है? सबसे लिखी पढ़ी पंचायतें कहां है? 400 फॉर्च्यून कंपनियों का हेडक्वार्टर कहां है? लॉजिस्टिक सुविधाएं देने में देश में नंबर एक कौन है? और सबसे ज्यादा सुधार करने वाली व्यवस्था भी हरियाणा की रही है। भाइयों बहनों, प्रति व्यक्ति आय हो, प्रति व्यक्ति एक्सपोर्ट हो, वृद्ध सम्मान पेंशन हो, सीएम विवाह सगु योजना हो, हर चीज में हरियाणा नंबर वन बना है। यहां पर 12 एक्सप्रेसवे बने हैं और दशकों से अधूरा पड़ा कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे का काम भी आगे बढ़ा है। 750 बेड का एम्स बनाया, आईआईटी दिल्ली का एक्सटेंशन स्थापित किया, 2000 करोड़ से सबसे बड़ा कैंसर का अस्पताल बनाया और झज्जर जिले में सबसे बड़ा बस अड्डा बनाने का काम भी किया है। ये विपुल भाई यहां बैठे हैं ना, विपुल खड़े हो जाओ तो तुम जरा। ये विपुल गोयल और हमारे पांचों प्रत्याशी आ गया हो भैया, सब आ गया हो। मैं आपको बताता हूं कि एक बार फरीदाबाद का विकास सुनिए। 262 करोड़ की लागत से नया रेलवे स्टेशन बनाया, इसमें मल्टी लेवल पार्किंग की सुविधाएं दी, फरीदाबाद में 7 नई ट्रेनें चलाई, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे जेवर हवाई अड्डे से जोड़ दिया गया, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि में 30,000 रेहड़ी पट्टी वालों को लोन दिया गया, छयास गांव में नया मेडिकल कॉलेज बनाया, फरीदाबाद में
ईएसआईसी का मेडिकल कॉलेज भी बनाया और इसके साथ साथ विधवा सहाय, पेंशन, वृद्ध पेंशन, हर घर में गैस का सिलेंडर। और माताओं बहनों, मैं आपको बताता हूँ, जो अब सिलेंडर दिया गया है वो 500 रुपए में देने का निर्णय हमारे नायब सिंह जी ने किया है। हमने ओबीसी की क्रीमी लेयर को भी कम किया, हमने कई जातियों को जिसमें गुर्जर जाति भी है ओबीसी में जोड़ने का काम किया, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि की और सबसे ज्यादा एमएसपी पर खरीदी करने वाला कोई एक राज्य है तो मेरा हरियाणा है। हरियाणा है अटल किसान मजदूर कैंटीन के तहत 10 रुपये में भोजन की व्यवस्था की और मोदी जी ने 1,43,000 करोड़ रुपये का हरियाणा में विकास का काम किया है। हुड्डा साहब, 10 साल आप मुख्यमंत्री रहे, एक बार लिस्ट लेकर आ जाओ, फरीदाबाद के चौराहे पर विपुल गोयल चर्चा के लिए आ जाएगा, दो दो हाथ कर लो किसने ज्यादा विकास किया। भाइयों बहनों, मैं आज फरीदाबाद की विशाल जनसभा में आप सभी को विश्वास देने आए, मोदी जी के दिल के सबसे नजदीक अगर कोई एक राज्य है तो मारा हरियाणा है, आप मानकर चलना। हरियाणा के विकास के लिए मोदी जी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यहाँ भाई भतीजों के लिए काम करने वाली सरकार की जगह देश की सुरक्षा के लिए, देश की समृद्धि के लिए, आतंकवाद के सफाये के लिए और राम मंदिर बनाने की वाली सरकार को एक बार फिर से लाने का काम आप करें, ऐसा मेरा आप सबसे निवेदन है। भाइयों बहनों, 5 तारीख को चुनाव है, अभी काफी समय बाकी है। हर गली गली, गांव गांव, घर घर जाकर कमल के निशान का संदेश दीजिए और भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाइए। मुझे बताओ जरा जोर से, भाजपा को जिताओगे क्या? अरे जोर से बोलो भाई, जिताओगे? हमारे 6 के 6 प्रत्याशी को कमल के निशान पर बटन दबाकर जिताओगे? नायब सिंह को मुख्यमंत्री बनाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। तो बड़ी खबर, पूरा देश हरियाणा को 3 बातों के लिए जानता है। ये तमाम बातें कहते हुए नजर आए अभी अमित शाह फरीदाबाद में जन आशीर्वाद सभा को संबोधित भी कर रहे थे और उन्होंने इस दौरान हरियाणा की तारीफ करते हुए कहा कि ये वीर भूमि है, किसानों ने यहां पर गेहूं के भंडार भरने का काम किया है। इसके अलावा प्रदेश की सरकार की तारीफ करते हुए भी नजर आए यहां पर अमित शाह। कांग्रेस पर निशाना साधा है और इसके अलावा उन्होंने 6 जो बीजेपी प्रत्याशी हैं फरीदाबाद जिले के अंदर, 6 विधानसभा सीट पर जो 6 प्रत्याशी हैं उनको लेकर भी जनता से कहते हुए नजर आए कि वोट देकर इन्हें जिताए। सीएम हुड्डा, पूर्व सीएम हुड्डा पर भी तंज कसा है यहां पर अमित शाह ने। कांग्रेस पर निशाना साधा है, कांग्रेस पर जमकर प्रहार करते हुए नजर आए कि अब बिना पर्ची खर्ची के लोगों को नौकरी मिल रही है, कांग्रेस के राज में कांग्रेस ने केवल लूटने का काम किया है, कांग्रेस भ्रष्ट पार्टी है। ये तमाम बातें अमित शाह ने फरीदाबाद में कही। तो ये आपको बता दें कि फरीदाबाद पहुंचे अमित शाह, इस दौरान जनसभा को संबोधित किया और बड़ी बात कहते हुए नजर आए किसानों को लेकर, नौजवानों को लेकर। उन्होंने कहा कि हरियाणा में किसानों ने गेहूं का भंडारण करने का काम किया है, खेलों में हरियाणा सबसे आगे है। इसके अलावा कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए नजर आए, इस बार के चुनाव में जीत का दावा उन्होंने किया है। कांग्रेस को लेकर कहा कि कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए जानी जाती है, कांग्रेस की रैलियों में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हरियाणा में 12 एक्सप्रेस वे
बने हैं। तो हरियाणा में विकास का काम किया गया है, एम्स बनवाया गया है, इन तमाम बातों का जिक्र अमित शाह करते हुए नजर आए फरीदाबाद में। तो इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ओबीसी की क्रीमी लेयर को कम किया गया, नायब सैनिक की उन्होंने तारीफ की और एक बार फिर से नायब सैनिक को मुख्यमंत्री बनाने की बात कहते हुए नजर आए। जिताने को लेकर जनता से कहते हुए नजर आए कि वोट देना है, बीजेपी को देना है। तो चुनाव प्रचार के लिए यहां पर अमित शाह पहुंचे, फरीदाबाद पहुंचे थे अमित शाह, इससे पहले लोहारू पहुंचे थे, लोहारू में भी जनसभा को संबोधित किया और उसके बाद फरीदाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए अमित शाह। कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया है, कांग्रेस पर निशाना साधा है, कांग्रेस को कहा कि पार्टी तुष्टिकरण की राजनीति के लिए जानी जाती है, कांग्रेस भ्रष्ट पार्टी है। हरियाणा में हुए विकास का जिक्र भी अमित शाह ने यहां पर किया। इसके अलावा भूपेंद्र हुड्डा पर भी तंज कसते हुए नजर आए। हरियाणा में जो विकास कार्य करवाए गए हैं सरकार की तरफ से, उस बात का जिक्र भी यहां पर अमित शाह ने किया। तो अमित शाह हरियाणा के दौरे पर पहुंचे, इससे पहले लोहारू में पहुंचे थे, लोहारू के बाद फरीदाबाद में पहुंचे, फरीदाबाद में जनसभा को संबोधित उन्होंने किया, बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद रहे और कांग्रेस पर प्रहार करते हुए नजर आए अमित शाह। तो कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा कि कांग्रेस भ्रष्ट पार्टी है, कांग्रेस पर कई तरह के आरोप उन्होंने लगाए हैं। हरियाणा को लेकर उन्होंने कहा कि देश में सबसे ज्यादा जवान वीर भूमि हरियाणा के हैं और सबसे ज्यादा गेहूं के भंडार भरने का काम हरियाणा के किसानों ने किया है। कांग्रेस को लेकर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि पहले पर्ची खर्ची की नौकरी मिलती थी, लेकिन अब बिना पर्ची खर्ची के नौकरी मिल रही है। हरियाणा में जो भी विकास कार्य हुए हैं उसे लेकर अमित शाह कहते हुए नजर आए कि सरकार ने यहां पर विकास का काम किया, एक्सप्रेस वे बनाए गए हैं, एम्स बनाए गए हैं। आपको बता दें कि अमित शाह जब पहुंचे फरीदाबाद तो उनका स्वागत किया गया, पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया गया।